तो कैसे हैं दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं करेंसी एंड कंट्री। मैं आपको कंट्री एंड करेंसी पढ़ाया था, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किसके करेंसी और कंट्री के बारे में। कंट्री एंड करेंसी में मैंने देखा था 20 टोटल, मैंने वहां पे आपको 20 बताया था, ठीक है। 20 कंट्री और 20 करेंसी, उनकी कंट्री और करेंसी के बारे में बात की हुई थी। जस्ट इस वीडियो में मैं आपको 20 और बता दूंगा, टोटल 40 हो जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण 40 मैंने आपको बता चुके हैं। टोटल आप बना सकते हैं जितनी भी कंट्रियां हैं। मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको चीजें यहाँ पे याद नहीं करा रहा हूँ, मैं चीजें आपको यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ कि किस तरह से करना है, किस तरह से इसको बाहर करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वहां पे 20 बात किए थे, यहाँ पे 20 बात कर लेंगे, हमारा एटलीस्ट 40 हो जाएगा। इसके बाद के मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, अगर आप भी पीडीएफ चाहते हैं तो जस्ट डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, वहां पे मैं इसके पीडीएफ को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। टोटल 75 मैं बताऊंगा, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और लगभग तो महत्वपूर्ण जितने भी हैं टोटल हो चुके हैं, इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सामोआ, लीबिया, टोंगा, सोमालिया, सेनेगल, सऊदी अरब, ओमान, मकाऊ, जॉर्डन, तुर्की, ठीक है। उसके बाद हम थाईलैंड, टांगा, इटली, स्वीडन, डोमेनिया, जाम्बिया, कालीडेनी, रवांडा, नाइजीरिया एंड नामीबिया, इतने सारे कंट्री को देखने वाले हो। बहुत सिंपल है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है, जितना सिंपल आप सोच नहीं रहे उससे भी कई गुना ज्यादा ये सिंपल है। क्यों मैं इतना सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि इतनी ज्यादा सिंपल तरीके से वर्क करता है कि आप किसी की भी कंट्री की करेंसी आप तुरंत बता सकते हैं, जबकि बहुत सारी कंट्रियों की सेम सेम है। फ्रैंक फ्रैंक फ्रैंक, यहाँ पे कितनी सारा फ्रैंक आपको दिखेंगे, यहाँ पे फ्रैंक फ्रैंक, इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने 2-3 फ्रैंक, माली का फ्रैंक, ठीक है, मैंने इतने सारे कंट्रीज के आपको बताए थे। तो आपने माली, माली क्या है, गार्डन से आपने फूल चुरा तो आपने माली को क्या किया, पत्थर फेंक के मारा, ये मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। क्यों मुझे याद है, क्योंकि मैंने उस चीज को स्टोरी बनाई हुई है, आप भी स्टोरी बनाएंगे। चलिए आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, शेयर करने से दूसरों का भी भला होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस मैं अपडेट करूंगा डालूंगा, वो आप तक पहले पहुंचेगी और आप पहले देख पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सामोआ, सामोआ, साम को आ, सामोआ, मैंने बोला था दोनों तरफ से आपको वर्ड बनाना है, दोनों तरफ से वर्ड बना के दोनों को इंटरकनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप दोनों तरफ से वर्ड बना के दोनों को कनेक्ट कर देंगे, उसी तरीके से आपको तुरंत कोई चीजें याद हो जाएंगी। तो पहला है सामोआ, सामोआ मतलब शाम को आ, ठीक है। शाम को आ तो हम ताला मारते हैं, शाम को मेरे घर पे आ, फिर मैं ताला मार दूंगा, शाम को आ ताला मारते हैं, शाम को आ ताला मारते हैं, तो शाम को आ ताला मारते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लीबिया, लीबिया का है दिनार, लीबिया का क्या है दिनार, तो अब लीबिया को और दिनार से कैसे कर सकते हैं, तो लीबिया का क्या है जलेबिया, ठीक है। मैंने आपको लीबिया से जलेबिया बताया था, ठीक है, पिछले जब मैंने कंट्री एंड कैपिटल्स की बात की थी उसमें मैंने आपको लीबिया से जलेबिया बताया था। तो लीबिया जलेबिया, जलेबिया आप दिन में खाते हैं, जलेबिया कब खाते हैं दिन में, पहले इसको कॉमेडी बनाओ फिर इसको कॉमेडी बनाओ, दोनों को कनेक्ट कर दो काम हो जाएगा। लीबिया जलेबिया, जलेबिया आप कब खाते हैं दिन में खाते हैं, दिन से दिनार। टोगो, टोगो क्या है फ्रैंक, टोगो से फ्रैंक, टोगो मतलब टोगो, ठीक है, टोकना। अगर आपने मुझे टोका, आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आप ऐसा बोलिए कि आपने अगर मुझे टोका तो मैं आपको फेंक दूंगा, क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा, फेंक दूंगा मतलब फेंक दूंगा, ठीक है, फेंक दूंगा मतलब फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक फेंक दूंगा। क्या उसके बाद दिया है सोमालिया, सोमालिया क्या है सीलिंग, ठीक है, सीलिंग से क्या है, सोमवार को ही शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा कब होती है सोमवार को ही होती है, ठीक है, तो सोमवार को किसकी पूजा होती है शिवलिंग की, ठीक है, तो सोमालिया सीलिंग, समझ पा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सोमालिया क्या है सीलिंग, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या दिया है सेनेगल, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सेनेगल, तो सेनेगल को ब्रेक करेंगे तो सेना गल आएगा, ठीक है, सेना गल, तो सेना लोग, सेना लोग बहुत ज्यादा बम फेंकते हैं, क्या करते हैं बम फेंकते हैं, सेना लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा बम फेंकते हैं, तो क्या कर रहे हैं बम फेंक रहे हैं, तो सेने सेना लोग, सेना लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं बम फेंकते हैं। आप डरिए मत, बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेम सेम हो जा रहा है जिसकी वजह से डिफिकल्टीज आ सकती है, बट मैं गारंटी लेता हूँ कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने इस वर्ड को कनेक्ट किया है। अब आप कभी भी सेनेगल देखेंगे तो आपको याद थोड़ी याद आएगा, सेनेगल को आपने जैसे ही ब्रेक किया आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। ये काम वैसे करता है जैसे कि आप कंप्यूटर पे कोई सर्च मारो इंजन पे और उसको क्लिक करो तो गूगल पे इतना सारी चीजें होती हैं, बट वो एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट चीजें कैसे ला पाता है इसी टेक्निक से, तो आप भी उसी टेक्निक से लेके आइए, ठीक है। तो इसी टेक्निक से कैसे, आपने जैसे बोला इस वर्ड को कोड किया वैसे ही आपको तुरंत आंसर आपके माइंड तुरंत देगा, ठीक है। तो सेनेगल से फ्रैंक, नेक्स्ट क्या दिया सऊदी अरब,
अब सऊदी अरब का रियाल है, तो आप सच में इमेजिन करिए कि सच में अब भारत से ज्यादा लोग सऊदी अरब में जा रहे हैं। अब भारत से क्या कर रहे हैं, रियल में लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, मतलब पहले तो बहुत कम जाते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा सऊदी अरब में भारतीय लोग जा रहे हैं, तो रियल में भारतीय लोग सऊदी अरब जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ओमान, ओमान का क्या है रियल, ठीक है, ओमान का रियल ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ओमान का रियल। अगर आपको बहुत अच्छी टेक्निक पता है तो आप तुरंत बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ओमान, ओमान से मान बाहर निकल रहा है, मान, तो आपको रियल में बहुत ज्यादा मान मिल रहा है, मान सम्मान, ठीक है, मान सम्मान आपको क्या मिल रहा है, रियल में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो रियल मान। फिर भी आप मुझे बताइए जरा, आप देखते हैं आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। मकाऊ, मकाऊ का क्या है काऊ, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि काऊ ये पटाखा, सीधी सी बात है पटाखा तो पटाखा ही दिख रहा है, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप काऊ के पीछे क्या लगा दे रहे हैं, पटाखा लगा दे रहे हैं, तो काऊ के पीछे पटाखा, तो मकाऊ काऊ, काऊ के पीछे क्या लगा दे रहे हैं पटाखा, तो पटाखा, ठीक है। नेक्स्ट जॉर्डन, तो जॉर्डन का क्या हो जाएगा, जॉर्डन को बार बार अगर आप बोलेंगे तो एक वर्ड निकल के आता है, जो डरा, जॉर्डन, जो डरा, जो डरा, ठीक है, जॉर्डन, तो जॉर्डन आप कब डरते हो, हाँ ऐसा इमेजिन करिए कि आप जॉर्डन की जो डर गया, ठीक है, जो डर गया जॉर्डन, जो डर गया उसका दिन खराब हो जाता है, अगर आप डर गए तो उसका दिन क्या हो जाता है खराब, तो आप डर गए तो आपका दिन क्या हो जाएगा खराब, तो जॉर्डन डर, जॉर्डन दिन, दिनार, जॉर्डन दिन खराब हो गया। नेक्स्ट तुर्की, तुर्की का क्या है लीरा, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, ये तो मैंने बता दिया, एक आपको मुख दे देता हूं, तुर्की लीरा ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, तुर्की का लीरा किस तरह से बना सकते हैं, तुर्की का करेंसी क्या है लीरा, तो आप मुझे बताइए कि तुर्की को लीरा किस तरह से बना सकते हैं, और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मैं देखूंगा, अगर वो राइट रहेगा तो मैं आपको बोलूंगा, और अगर रॉन्ग होगा तो जस्ट मैं उसके अगले वीडियो में वो अपडेट करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो तुर्की लीरा, नेक्स्ट क्या दिया, थाईलैंड, थाईलैंड का क्या है बहुत, थाईलैंड में क्या है बहुत, तो आप ऐसा इमेजिन करिए, पहले इसको कोड बनाइए, थाई, थाई का मतलब चांग, ठीक है, तो थाई, आपके थाई में बहुत ज्यादा दम है, आपके थाई में क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा दम है, तो आपका थाई क्या है बहुत ज्यादा मजबूत है, या दम है कुछ भी बोल सकते हैं, आपका थाई क्या है बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। नेक्स्ट टांगा, ठीक है, टांगा क्या है पांगा, ठीक है, पांग, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ टांगा, टांगा मतलब जो टांगा चलाते थे, ठीक है, मर्द टांगे वाला मूवी देख रहे, उसमें जो टांगा है वो, तो टांगा पांग से अपंग, पांग से क्या अपंग, तो टांगा कौन चलाता है अपंग लोग चलाते हैं, ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए, कुछ भी रियल यहाँ पे है नहीं, तो टांगा कौन चलाता है अपंग लोग चलाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको याद करनी है, टांगा कौन चलाता है, कभी पूछा कि टांगा, तो टांगा कौन चलाता है अपंग लोग, अपंग से क्या आएगा पंग, ठीक है। नेक्स्ट इटली, आप ऐसा इमेजिन करिए, इटली कौन, देखो देखिए, जब मैंने कैपिटल करेंसी पढ़ा रहा था उस समय मैंने इन वर्ड को जिससे रिलेट किया हुआ था, जिस तरह से इसका कॉमेडी इमेज बना हुआ था उसी तरह से बना रहा हूं, अगर आपने मेरे उस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आता होगा कि मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं, चेंजेस कर ही नहीं रहा हूं, ये रीजन है, क्योंकि चीजें आपको अगर वही बार बार सुनेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, अगर आप दूसरी ट्रिक्स को देखेंगे तो वहां पे हर एक बार अलग अलग चीजें ली जाती है, करेंसी में अलग नाम लिया जाता है, कंट्री में अलग नाम लिया जाता है, उससे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। इटली, इटली का क्या है लीरा, ठीक है, इटली लीरा खा रही है, ठीक है, लीरा, तो क्या दिया हुआ है इटली, इटली कौन खा रहा है लारा, ठीक है। नेक्स्ट जो इटली, इटली का क्या है लारा, लारा, लीरा से क्या लारा, तो इटली लारा दत्ता खा रही है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि इटली कौन खा रहा है लारा दत्ता, ठीक है, इटली कौन खा रहा है लारा दत्ता। नेक्स्ट क्या दिया स्वीडन, स्वीडन का क्या है क्रोन, स्वीडन का है क्रोन, तो एक स्वीट सी लड़की, स्वीडन से क्या होता है स्वीट, स्वीटर, ठीक है, स्वीडन, तो स्वीट सी लड़की कोने में खड़ी है, स्वीट, स्वीट सी लड़की कहाँ खड़ी है कोने में, कोने से क्या हो जाएगा क्रोन, तो स्वीट सी लड़की कहाँ पे खड़ी है कोने में खड़ी है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है डोमिनिक, डोमिनिक डॉलर, डोमिनिक का क्या दिया हुआ है डॉलर, तो डोमिनिक, डोमिनिक डॉलर, तो डोमेन जो होते हैं, जो लोग डोमेन होते हैं वो डोमेन लोग क्या करते हैं डॉलर बेचते हैं, ठीक है, या डॉल बेचते हैं, सॉरी डॉल बेचते हैं, ठीक है, तो डोमेन वाले क्या करते हैं डॉल बेचते हैं, डोमेन आपको पता होगा कंपनी, तो डोमेन वाले क्या करते हैं डॉल बेचते हैं। नेक्स्ट जाम्बिया, जाम्बिया क्या है क्वाचा, तो क्वाचा से आप इसको त्वचा बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं त्वचा, ठीक है, जाम्बिया, तो जाम्बिया से आप क्या बना सकते हैं, जाम्बिया से जांगिया, ठीक है, जाम्बिया से जांगिया, जांगिया
आप जितना ज्यादा जांघिया पहनेंगे उतना ज्यादा त्वचा आपकी खराब होते जाएगी, जितना ज्यादा आप जांघिया पहनेंगे उतना ज्यादा आपकी त्वचा खराब होगी। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि जांघिया पहनने से क्या होती है, त्वचा खराब होती है। तो जांघिया क्वाचा, आपको जस्ट हंसना है और चीजें याद करनी है, बस सबसे बड़ा मोटो यही है हमारा कि जितना ज्यादा कॉमेडी हो सकती उतना ज्यादा बनाइए और चीजें याद हो जाती है, ठीक है। तो जांघिया क्या है, क्वाचा मतलब त्वचा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, काली डेनी, काली डेनी फ्रैंक, ठीक है। तो काली डायन, काली डायन को आप पत्थर फेंक के मार रहे हो, काली डायन। तो काली डेनी कभी भी आप सुनेंगे तो आपको तुरंत काली डायन याद आएगी। तो काली डायन, तो काली डायन को काली डायन से पांगा थोड़ी याद आएगा, काली डायन से बहुत क्रून डॉलर थोड़ी याद आएगा। तो काली डायन से अगर आपने एक बार इमेजिन कर लिया कि आप काली डायन को पत्थर फेंक के मार रहे हो, क्या करो फेंक के मार रहे हो, तो आपको तुरंत फेंक याद आएगा। नेक्स्ट रवांडा, ठीक है। रवांडा क्या है, रवांडा का फेंक, आप इसके जस्ट पिछले वीडियो में जब मैंने कंट्री बताई थी तो मैंने रवांडा, रवांडा पे बताया था कि गाली होती है, किसी प्रकार की गाली, ऐसे इमेजिन करना है। तो आप एक जगह पे खड़े हो, आपका एक दोस्त आता है, आपको रवांडा बोल देता है, ठीक है, बोलता है रवांडा जैसे गाली दे दिया, तो आपने उसको बोला कि हाँ सॉरी, तो उसने जैसे रवांडा की गाली दी आपने उसको क्या किया, उठा के फेंक दिया, उसको उठाया और जोर से फेंक दिया, क्योंकि उसने आपको क्या दी, गाली दी। आपने पिछले बार उसको मना किया था कि गाली मत देना मुझे ये, फिर भी उसने गाली दी, इस वजह से आपने गुस्से में क्या कर दिया, उसको फेंक दिया, तो फेंक फेंक। नेक्स्ट नाइजीरिया, नायरा, नाइजीरिया से क्या होता है, नायरा। तो अब नाइजीरिया, नाइजी, देखो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नाइजीरिया आ रही है, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है। तो इसको नाई और जी और इसको रिया बना सकते हो, ठीक है। तो नाइजी नायरा, अब नायरा को क्या बना सकते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। मैं तो बता दूंगा, दो मिनट लगेगा लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करते नहीं है तो आपको चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर अभी मैं आपको कुछ वर्ड दे दूंगा, बोल दूंगा बताने के लिए, तो आप नहीं बना पाएंगे उनको, ठीक है। बट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा होगा। एक चीज मैंने बता दिया, नाइजीरिया, अब नेहरा से उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कनेक्ट करके कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या कमेंट मत करिए कमेंट, लेकिन आप इस चीज को बनाइए जरूर, ठीक है, बनाइए, जरा देखिए कि आपको आता है या नहीं। और इतना ही नहीं, इसके बाद आप खुद कंट्री को सर्च मारिए गूगल पे और वहां से चीजें लाइए और उसको बनाइए, जरा बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका ही माइंड डेवलप होगा और राइट ब्रेन में चीजें ज्यादा घुसनी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेविबिया, नेविबिया का क्या है, रैंड, ठीक है, नेविबिया का रैंड। तो नेविबिया क्या है, नेविबिया को अगर ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा, नेवी बिया, ठीक है, नामी बिया, नामी बिया। तो नामी बिया, नामी, नामी बिया रेड कलर का कपड़ा पहनता है, नामी बिया कौन करता है, क्या पहनता है, रेड कलर का ड्रेस पहनता है। तो नामी, नामी बिया क्या करती है, रेड कलर का ड्रेस पहनती है, ये लड़की का नाम लग रहा है, ठीक है, नामी बिया। तो नामी बिया आप कभी सुनेंगे तो आपको रेड याद आना चाहिए, रेड, ठीक है। तो नावी भी किस कलर का ड्रेस पहनती है, रेड कलर का, तो रेड से क्या देगा, रैन, तो रैन कलर का ड्रेस पहनती है। तो कौन पहनता है रेड कलर का ड्रेस, नावी बिया, ठीक है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक नई ट्रिक मिल रही है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। नाइजीरिया का नायरा है, तो नाइजी ने रिया को नाड़ा, नायरा से नाड़ा, तो नाइजी ने क्या किया, रिया को नाड़ा बांधना सिखाया। नाड़ा किस तरह से बांधा जाता है, ये किसने सिखाया, नाइजी ने, किसको सिखाया, रिया को, नाइजी ने रिया को क्या सिखाया, नाड़ा किस तरह से बांधा जाता है, तो नाड़ा से नायरा, ठीक है। तो ये खत्म हो गए 40, अब ये 40, इसके बाद अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसके बाद मैं और वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, करेंसी के ऊपर, और मैं टोटल का टोटल कंट्री बता सकता हूँ, ठीक है। अभी भी मुझे अगर आप पूछेंगे तो मुझे पूरी की पूरी कंट्री के कैपिटल्स करेंसी याद है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप फटाफट भी कर सकते हैं, ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है। और रही बात इसको भूलने की, तो एक दो बार अगर आप वीक में एक बार प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप मंथ में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जिंदगी में आप चीजें नहीं भूलेंगे, उसके बाद तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं आप लोगों से अब एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद लग रहा है, आप अच्छा लग रहा है, तो प्लीज उसको क्या कर दीजिए, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो में डालू तो आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, आप जहां पे भी सोशल मीडिया में जहां पे भी है
प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक चीजें पहुंचे। और जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं ये करेंसी याद करने में, हिस्ट्री डेट्स याद करने में, पीरियड टेबल याद करने में, कोई भी चीजें हो मैं पूरी की पूरी टेक्निक्स बता सकता हूँ, ठीक है। पूरी की पूरी पीरियड टेबल याद नहीं हो पाती है बच्चों को, फिर वो स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं, वो स्टोरी बेटर नहीं होती है जैसे मैंने बताया। उस तरह से आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी उस चीज़ याद करने में, ठीक है। तो मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहां पे देखिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने बना के रखे हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो ठीक है, अगर उसमें से कुछ भी आपको लगता है कि मेरे भाई बहन के लिए या किसी अदर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत अच्छा टॉपिक। अगर आपको भी लगता है कि किसी भी अदर टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो लाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।